हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सलाम सबको। वंस अगेन गौहर ग्रीन सिटी में एक और वन यूनिट गॉर्जियस फर्निश्ड बैंगलो जो कि रिहाइश के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बेहतरीन लोकेशन है गौहर ग्रीन सिटी की, वेस्ट ओपन वन यूनिट है सेल के लिए। थ्री बेड डीडी का ये विला है जिसका ये कॉमन बाथरूम है। पैसेज एरिया में घर के अंदर दाखिल होते ही राइट साइड पर ये कॉमन बाथ है। गौहर ग्रीन सिटी मलिर की एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन सोसाइटीज में से है। मज़ीद आपको इस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। अंदर से घर का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियों के नीचे ये स्टोर एरिया है जहां पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान स्टोर कर सकते हैं। ये टीवी लाउंज जहां पे आप चाहे डाइनिंग करें या सिटिंग करें। और ये कापोश का एरिया, ये सबसे पहला बेडरूम है जिसमें पीछे वॉशिंग एरिया है, दरवाज़ा खुला है आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ये अलमारी है और इसमें एक अटैच बाथ है जो कि आपको अभी हम दिखाएंगे, जिसका आप फ्लोर देख लें और ये फर फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। इसका अटैच बाथ है रूम के अंदर। ये घर अनयूज्ड है और बिल्कुल फर्निश्ड है। कीज हमारे पास अवेलेबल है, जब चाहें दिन हो या रात आप विजिट के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। यह है घर का वॉशिंग एरिया जो कि पैक्ड है सेफ्टी ग्रिलिंग से। $120 का ये वन यूनिट विला है, वेस्ट ओपन। प्राइस की बात आखिर में करेंगे। ये उसका किचन है, अच्छा वुड वर्क इसमें हुआ है और ये जो भी काम है इस घर में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये काम भी उन्हें हमने करके दिया है। ये स्लाइडिंग डोर नहीं लगा हुआ होता, ये खुद लगवाना पड़ता है अमूमन। ये ड्राइंग रूम है, कापो से भी इसका दरवाज़ा है और लाउंज से भी इसका दरवाज़ा है। तो नीचे आपने देखा किचन, बेडरूम और ड्राइंग रूम, लाउंज। और अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है आपको दिखाते हैं। ये सामने की वॉल पे कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का काम है। इसमें फॉल सीलिंग का, ग्रिलिंग का, पेंट का, किचन का जितना भी काम है सारा हमारी खालिद एसोसिएट की जानिब से किया गया है। क्लाइंट की बजट और डिमांड के मुताबिक किया गया है। और भी बहुत सी यूनिट्स हैं जिनमें हमने काम किया है, सिर्फ गौहर में ही नहीं, कराची में बहुत सी दीगर, बेंगलोर में, डिफेंस में, गुलशन में, बहुत सी जगह पर हम काम करते हैं। तो ये है ऊपर आने के बाद टेरेस। ये वो टाइल्स हैं जो ओनर की जानिब से लगाए गए हैं, बिल्डर की जानिब से नहीं, अलग से ये टाइल्स लगाए गए हैं। और इसको धूप से कवर करने के लिए ऊपर फाइबर की शीट्स हैं, फाइबर शेड्स। और ये मेन रोड है जहाँ पर सबसे महंगे घर गौहर ग्रीन सिटी में मिलते हैं, वेस्ट ओपन, मेन बुलीवर्ड रोड की लोकेशन। और नीचे आप देख सकते हैं जो कॉमन बात आपने शुरू शुरू में देखा था, हो गया जी। अब आपको ज़रा यहाँ से भी दिखा दें, ये था टेरेस। बढ़ते आगे रूम्स की जानिब।
ये दो बेडरूम्स हैं सामने, लेफ्ट एंड राइट। तो पहले हम ज़रा राइट साइड पर देख लें। एक बेडरूम है, अलमारी इसमें मौजूद है, फॉल सीलिंग का काम इसमें हुआ हुआ है। एक मास्टर रूम, एक बड़ा रूम है ये, अच्छा स्पेस है इस रूम में। और तीनों रूम्स में और ड्राइंग रूम में एलईडी रैक भी बनाए गए हैं। और ये है इसका डैश बाथ, जो कि एल शेप में है इसका बाथरूम। एल शेप, गोहरगिन सिटी में तकरीबन 1300 के करीब घर हैं, जिसमें 80 गज के सिंगल, 120 गज के सिंगल और वन यूनिट विलास, और इसके अलावा बहुत ही लिमिटेड 240 गज के विलास हैं यहाँ पर सिंगल। ये वन यूनिट विला का ये तीसरा बेडरूम है अटैच बाथरूम के साथ। अमूमन इसमें तीन ही बाथरूम होते हैं अटैच बेडरूम्स के अंदर, लेकिन इसमें चौथा अलग से बना दिया गया कॉमन बाथ, जो कि आपने नीचे देखा है, वरना हर घर में बिल्डर की जानिब से नहीं दिया गया, बाथरूम खुद से बनवाना पड़ता है। तो इसने बनाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमान आते हैं तो उनके लिए नीड्स मेरे ख्याल से लाजमी एक चीज़ है। तो इस घर में तीन बेडरूम, ड्राइंग रूम और चार बाथरूम हो जाते हैं इस तरह से। तीनों बेडरूम्स में अलमारियाँ मौजूद हैं, फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है बेडरूम और ड्राइंग रूम में। तो ये आपने कर देगा, उम्मीद है कि आपको घर की वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत अच्छी सोसाइटी है, बिजली पानी गैस तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोई लोड शेडिंग नहीं, सिक्योरिटी 24/7 है यहाँ पर। अब बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे एक अगली अच्छी सी वीडियो में। आप हमसे कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।